दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि हाउ टू कैंसिल सेंड फॉलो रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर जो भी आपने फॉलो रिक्वेस्ट सेंड किया था, जिसे भी सेंड किया था, उन सभी का लिस्ट जो है आप कैसे जो फाइंड करके उन्हें जो है कैंसिल कर सकते हो। दोस्तों ये जो फॉलो रिक्वेस्ट वाला सेक्शन था वो इंस्टाग्राम पर पहले से था, लेकिन अब जो है इसका तरीका जो है चेंज हो चुका है। आप कैसे जो सेंड फॉलो रिक्वेस्ट लिस्ट को यहाँ पर निकाल के उन सभी फॉलो रिक्वेस्ट को आप कैसे जो कैंसिल कर सकते हो, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर डेटा टेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सेक्शन आप कैसे जो है ढूंढ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम पर चले जाना है आपको। इंस्टाग्राम पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका योर एक्टिविटी नाम का एक ऑप्शन है, आप नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन को आप जो है क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी ईमेल है, इंस्टाग्राम पर जो भी ईमेल आपने रजिस्टर किया था उसे डाल दो या फिर कोई दूसरा ईमेल डाल दो चलेगा। यहाँ पर हम इस ईमेल को डाल के सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम का जो भी पासवर्ड है उसे यहाँ पर दे देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद डाउनलोड रिक्वेस्ट अभी सेंड हो चुका है इस ईमेल पर। यहाँ पर लिखा है 14 डेज के अंदर आपको ईमेल किया जाएगा आपका डाउनलोडिंग लिस्ट। यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर लीजिए। ये दोस्तों 14 डेज तो दिखाता है, लेकिन यहाँ पर एक घंटे से लेकर आपको 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। हाँ, किसी किसी का 48 घंटे, किसी किसी का 3-4 दिन तो लग ही जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर आएगा। उसके बाद आपको उसी ईमेल पर जाकर यहाँ पर डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन का एक मेल होगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर जाकर लॉग इन कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का लॉग इन पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये लॉगिन होकर आ जाएगा डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दो पार्ट है हमारा, तो इसे जो है पहला पार्ट को जो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर डिटेल्स में जाकर देखता हूँ, 2.44 GB का है, 797 का जो है फाइल है, तो इसे हम जो है 2.44 GB का यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा ज्यादा लंबा फाइल है तो ज्यादा लिस्ट यहाँ पर शो कर सकता है। ये फिलहाल अभी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद डाउनलोड पे आके हम एक्सट्रैक्ट पे जो है इस फाइल को क्लिक कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा देर टाइम लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऊपर एक फाइल बन जाएगा, उसे जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक फाइल जो है सेम उसी फोल्डर के नाम से जो बन चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग, इस वाले लिस्ट को जो है आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद रिसेंट फॉलो रिक्वेस्ट पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रिसेंट फॉलो रिक्वेस्ट और पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिसेंट फॉलो रिक्वेस्ट पे आप जान सकते हैं किससे आपने रिसेंट में जो है फॉलो रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड किया था। तो इसे जो जब भी हम क्लिक करेंगे यहाँ पर डब्ल्यू पेज में हम जो है ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे रिसेंट में फॉलो रिक्वेस्ट सेंड किया था यहाँ पर आ चुका है। इनमें से आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आपको रिजेक्ट किए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आपका फ्रेंड ऑलरेडी बन चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आपने उसे कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी उनके अकाउंट के पास पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका भी लिस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर HTML व्यूअर पे क्लिक करो या फिर WPS ऑफिस आपका जो भी है इसे देखने के लिए मेरे ख्याल से आपको HTML पे क्लिक कर लेना चाहिए। ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है ना, ये आपको उसी लिस्ट का बताएगा जो कि आपका ऑलरेडी पेंडिंग पर है। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर मैं मानस रंजन को जो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था वो अभी तक फॉलो नहीं किया, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर मैं उसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आपने जिसे भी फॉलो रिक्वेस्ट सेंड किया था उन्हें ढूंढकर कैंसिल जो है कर सकते हैं। दोस्तों आज के ट्रिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।